यह क्या है? यह कुकी की तरह दिखता है लेकिन यह अजीब लगता है। यह कितना मीठा है, मुझे यह पसंद है। डैड तुम जल्दी कर रहे हो, आओ पहले कार्ड ले। ठीक है तुम जो भी कहो, बस अब मुझे मत मारो। खैर मुझे बिना हाथों के कुकीज काटनी होंगी। तुम्हारे साथ बुरा हुआ और हम लकी निकले, तुम बहुत मतलबी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मैनेज कर लूंगी। ऐसा लगता है मैं जल्दी करनी होगी, बर्बाद करने के लिए कुछ समय नहीं है। यह अच्छा है कि मैं दो हाथों का उपयोग कर सकती हूँ, इसलिए चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। वो पक्का है मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर सकता, शायद सारे एक्स्ट्रास को कुतर लूं तो बात बन जाए। यह मत सोचो कि मैं हार मानने वाला हूँ सूजी, वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं बिना हाथों के क्या कर सकती हूँ? ऐसा लगता है केवल एक ही रास्ता है, मुझे अपने माथे का उपयोग करना होगा। आह दर्द हुआ, लेकिन यह काम करता है। वाह मेरे पास जीतने का हर मौका है। ऐसा लग रहा है कि लूसी भी नहीं रुकेगी, मुझे इसे बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अरे नहीं मेरी कुकी टूट गई। ओह यह क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है, बस काफी हो गया। अफसोस इस बार दो हाथों ने भी मुझे नहीं बचाया, मैं लूजर हूँ। मैं सूजी की तरह नहीं होना चाहता। लूसी चलो काम पर लग जाओ अभी। मैं भी हार गई, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये शुरू होने वाला है। मैं अपना सिर ढक लेता हूँ, कितना गीला अजीब महसूस हो रहा है। सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं हार नहीं मान सकता, नहीं तो सब कुछ बुरी तरह खत्म हो जाएगा। खैर समय समाप्त हो गया। वाह मैंने कर दिखाया, ये एक जीत है। यह उचित नहीं है, तुम बस भाग्यशाली हो। तुम नाराज क्यों हो, इसे रोको, बस करो। फ्रेंच फ्राइज और सॉस, सुपर, आखिरकार हम ठीक से खा सकते हैं। यह कार्ड मेरा है। दो हाथ, वाह मुझे खुशी कि मैंने यह कार्ड लिया। मेरे पास एक है, यह भी बुरा नहीं है। मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा सुझाव है कि हम शुरू करें, मैं तैयार हूँ। मैं इस आलू को आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओ नहीं मैं क्या देख रही हूँ, चिली सॉस, यह बुरी तरह खत्म हो सकता है। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कोई चाल है, मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब तक तो सब ठीक है, असल में तुम्हारे मुंह से धुआं निकल रहा है और अब कान, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ओह अब बेहतर है, सच कहूँ तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, मुझे यह कल्पना करने में डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। शायद ये इतना डरावना नहीं है सूजी, मैं इस सॉस को ट्राई करने के लिए तैयार हूँ, बस ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं डालना है। बस हो गया, इतना काफी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कम डालने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, और सॉस चाहिए। बोन एपेटिट। ये सब बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ लेकिन तुमने मेरा खाना बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है इसके बाद मेरा सिर फट जाएगा। खैर कुछ कर नहीं सकते, बस मुझे शुभकामनाएं दो। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना खराब होगा। ओह लगता है मैं गर्म हो रहा हूँ। अरे नहीं आग लगने वाली है, बचाओ। हैड तुम कैसे हो? मैंने अपना हाथ जला लिया। कितनी अच्छी हवा है, रुको मत, हालांकि बहुत ज्यादा, मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। डैड ये काफी है। ठीक है अब बेहतर महसूस हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जितना संभव हो देरी करना चाहिए, यह करने का समय है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत स्वादिष्ट, मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है। लेकिन तुम सॉस के बारे में पूरी तरह से भूल गई, चलो इसे डालो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा शुरू हुआ, इसे खराब क्यों करना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो सूजी, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं गर्म हो रही हूँ, बचाओ। वाह कितना सुंदर, एक असली फायर शो। चश्मा लगाने की जरूरत है, आग अंधा कर रही है। तुम क्यों बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो? उधर देखो सूजी। ओह मैं क्या देख रही हूँ, मैंने छत जला दिया। लेकिन अब हमारे पास एक अद्भुत दृश्य है। ओह यह क्या है? छी घिनौना, बेवकूफ चिड़िया। यह किस्मत की बात है, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। वाह काला गम, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। आओ जल्दी कार्ड खोले, काश मैं भाग्यशाली निकलूं। ओह हाँ ब्रह्मांड ने मुझे सुना है।
पैर, सिर्फ एक हाथ, यह भी बुरा नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं बिना हाथों के खाना नहीं चाहती। ओह चलो, इस तरह या उस तरह हमें से प्रत्येक को च्युइंगम मिलेगा। हालांकि यह तुम्हारे खाने की तुलना में मेरे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। वाह, वह कितनी खूबसूरत है और उसकी खुशबू मुझे दीवाना कर रही है। स्वादिष्ट खाने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में यह पसंद है। अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए। कैट, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कभी च्युइंगम ही नहीं खाया है। मैं सिर्फ जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। ज्यादा नखरे मत करो, देखो मैं कितना अच्छा बबल बनाऊंगा। ओह, यह बहुत दिलचस्प है। और मैं इसे फोड़ दूंगी। क्या बेवकूफी, बड़ा मजाक है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मुझे लूसी को बुरे व्यवहार के लिए सबक सिखाना होगा। ज्यादा गुस्सा मत करो टेड, और अब मैं नाराज नहीं हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? मैं अपना हाथ नहीं हिला सकती। वह गम तुम्हारी लार में है, ये नौना। मैंने बस थोड़ा मजाक करने का सोचा था, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया था। मेरी भूख ही खत्म हो गई है, मैं अब अपना गम कैसे खोलूंगी, क्योंकि मैं केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती हूँ। मदद करो, मैं फंस गई हूँ। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, धन्यवाद टेडी, मैं याद रखूंगी कि तुमने क्या किया है। हम सूजी के बारे में पूरी तरह से भूल गए, अब उसकी बारी है। मुझे डर है कि आसान नहीं होगा, गम मुझसे दूर फिसलता जा रहा है, इसे कैसे खोलूं? कोशिश करो, तुम्हें सफल होना चाहिए। अरे नहीं, मैंने इसे डस्टबिन में गिरा दिया, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी सांस रोकनी होगी और उसे पाने की कोशिश करनी होगी। सावधान सूजी, सारा कचरा हम पर उड़ रहा है। मेरी मदद करो, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। ओह, उसके सिर पर डस्टबिन है, क्या मोड़ है। सूजी, आवाज पर ध्यान देकर आगे बढ़ो, हम यहाँ हैं, इधर बैठ जाओ। मैं अपना गम निकालने में कामयाब रही और उसके साथ बहुत सारा कचरा। तो क्या, यह इसके लायक था। कितना स्वादिष्ट है, देखो यह फैंटा है। कितनी बड़ी बोतल है, सुपर। कार्ड के बारे में मत भूलना, आइए देखें कि मेरे पास क्या है। आखिरकार दो हाथ, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मेरे पास फिर से एक है, पहले से ही एक परंपरा है। यह पता चला है कि मुझे बिना हाथों के फैंटा पीना है। बुरी खबर है, मुझे नहीं लगता कि यह सुविधाजनक है। अपने हाथ छिपाओ टेड, ये नियम है। ठीक है, वैसे भी तुमसे बहस करना बेकार है, तुम सही कह रहे हो। इस स्वादिष्ट को आजमाने का समय आ गया है। यह पता चला है कि ढक्कन को दो हाथों से खोलना बहुत सुविधाजनक है और बोतल को पकड़ना और भी सुविधाजनक। कितना अच्छा स्वाद है, मैं खुश हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती। मैं हर आखिरी बूंद पीने को तैयार हूँ, मुझे फैंटा पसंद है। ओह, मैंने आखिरकार अपनी प्यास बुझा ली है। ओह, मुझे लगता है कि बोतल मेरे होठों से चिपक गई है। वाह, यह मजेदार है। हंसो मत टेड, सूजी मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धन्यवाद लूसी, तुम एक सच्ची दोस्त हो। ओह मेरे होठ, अब कितना दुख रहा है, मैं उन्हें छू नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा था हंसो मत, यह गलत बात है। खैर, तरोताजा होने की मेरी बारी है। मुझे उम्मीद है मैं एक हाथ से बोतल खोल सकती हूँ। ओह, यह इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेज पर गर्दन मारते हैं तो यह काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह लाइफ हैक काम नहीं कर रहा है। ओह, मैंने सोडा को बहुत हिला दिया है। अरे नहीं, एक विस्फोट होने जा रहा है। ओह, मुझे डर लग रहा है। तुमने क्या किया है लूसी? माफ करना, मैं बस बोतल खोलना चाहती थी। खैर, सारा सोडा गिर गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, यह उचित नहीं है। तुम हम सबको गीला कर रही हो, मुझे खेद है लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता। यह अच्छा है कि मेरी बोतल अभी भी भरी हुई है, बस केवल यह पता लगाना है कि इसे कैसे खोले। मैं अपने दांत से कोशिश करूंगा, ये मजबूत है। हाँ, यह काम किया और अब पी सकते हैं। तुम यह कैसे कर पा रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है। जब मीठा खाने की बात हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत गंदा लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो सूजी, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। देखो, मैंने लगभग सब कुछ पी लिया है, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। I'm waiting. वाह, आइसक्रीम कितना बढ़िया। Awesome. दिख रहा है कि तुम्हें यह पसंद है। हाँ, हमें अभी शुरू करना है, तब यह लो। धीरे, कितना बुरा, मुझे तेज मिला है। मध्यम, ठीक है, शुरू करते हैं। Here we go. मैं पहले चलती हूँ। शुभकामनाएं मोनिका।
शायद तुम थोड़ा जल्दी कर सकती हो। अरे नहीं, यह तो कभी खत्म नहीं होगा। चम्मच मुझे दो। यह तो फंस गया। निकल जाओ। ओ, काम कर गया। वाह, यह कितना बड़ा आइसक्रीम है। स्वादिष्ट पर ठंडा। जैक, तुम नीले हो गए हो। नहीं सूजी, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मैं सही कह रही थी। मैं जानती हूँ कि जैक को ठीक कैसे किया जा सकता है। मेरे पास एक ब्लू टॉर्च है। वो खतरनाक है मोनिका। तुमने तो लगभग सब जला दिया था। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एक हेयर ड्रायर। अच्छा सोचा सूजी। धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। बस आज के लिए इतना आइसक्रीम काफी है। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरी बारी है और मैं इसे कोन में खाऊंगी। वाह, देखते हैं कि कैसा बनता है। काफी अच्छा लग रहा है। बस कुछ और स्कूप। वाह, एकदम कमाल का। अभी भी आइसक्रीम बची है, मुझे ये सब इस्तेमाल करना है। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम कोन है। मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मुझे तो ये यहाँ से खाना है और यहाँ से भी और इधर से भी। अरे नहीं, ये गिर रहा है। बुरा हुआ सूजी। मोनिका, अब सिर्फ तुम ही बची हो। ये तो आइसक्रीम है भी नहीं। पर हाँ, अब ये पिघल गई है तो ये एक मिल्क शेक है। ध्यान से मोनिका। ये बहुत ही स्वादिष्ट था। यह तो न्यूटेला है। हम भाग्यशाली हैं। हड़बड़ी मत करो जैक, पहले कार्ड ले लो। उफ, मुझे फिर धीरे मिला। मुझे मध्यम। तेज, बहुत अच्छा। इंतजार क्यों करूं? मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। यह ढक्कन हटाया, पर अभी भी यह है। यह मैं खोल लूंगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है। एकदम लाजवाब। दो उंगलियां तो एक से बेहतर होती है। इतना सारा न्यूटेला, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। अब तीन उंगलियां। ये एक चॉकलेट बॉम है। वो कितना खराब लग रहा है। किसे फर्क पड़ता है, कम से कम यह स्वादिष्ट है। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास एक और हाथ है। मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूँ। बस करो, कितना गंदा लग रहा है। मेरे पास अभी भी थोड़ा बचा है। तुम जल्द से जल्द खत्म करो। ओ, लगता है मेरा जार खत्म हो गया। अच्छा है कि मेरे हाथों पर चॉकलेट लगा है। जल्दी करो जैक। आखिरकार मैं शुरू कर सकती हूँ। देखो और सीखो कि खाया कैसे जाता है। चम्मच किधर है? छोड़ो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे और चाहिए। और मुझे भी। न्यूटेला क्यों नहीं आ रहा है? यह नहीं जानना ही ठीक होगा सूजी।
चल रहा है? अच्छा, मैं समझ गई। यह सब जैक का किया धरा है। अब मैं उसे सिखाती हूँ। मेरा सिर, तुम इसी के लायक हो। यह मेरा न्यूटेला है। अब तुम चलो मोनिका। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं धीरे धीरे खाती हूँ, मुझे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। What the? चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। इतनी जल्दी? धन्यवाद जैक। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं यह ऐसे ही बैठकर नहीं देख सकता हूँ। इधर दो। धन्यवाद जैक। कितना अच्छा है। चलो अब जल्दी से खा लो। यह सच में स्वादिष्ट है। मैं यह नहीं देख सकती। चलो। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। कितना अच्छा स्वाद है। हाय मोनिका, कैसी हो तुम? अपना चॉकलेट खा रही हूँ। मेरे पास अभी भी पूरा एक जार है। अच्छा है ना? इतने सालों से कुछ नहीं बदला। एक पूरा डब्बा स्किटल्स। यह तो बहुत अच्छा है। यहाँ गर्मी हो रही है, जल्दी करना होगा। यह मेरा कार्ड और मुझे मिला है धीरे। नहीं, तेज। अच्छा है। मध्यम। बुरा नहीं है। चलो शुरू करते हैं। मैं पहले चलता हूँ। अब मैं एक कैंडी उठाता हूँ। इसमें समय लगने वाला है। जैक, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सूजी, मैंने अपना पहला कैंडी पकड़ लिया है। मैं और नहीं रुक सकती, मुझे भी स्किटल्स चाहिए। ओ मोनिका, तुमने कैंडी कितनी जल्दी खा ली। सूजी, तुम भी खाओ। हाँ बिल्कुल, मैं शुरू कर रही हूँ। पहले मैं सारे रंग अलग कर लेती हूँ। कितना प्यारा। देखो जैक। खैर छोड़ो, मुझे फर्क पड़ता है। मैं पीले रंग के साथ शुरू करूंगी। अरे अब मेरी जीभ भी पीली हो गई। बहुत अच्छा। अगला है हरा कैंडी और यह रही हरी जीभ। काम कर गया। अब नारंगी कैंडी और अब लाल और बैंगनी बचे हैं। मैंने सब खा लिया। बहुत अच्छा किया यार। अब मैं जारी रखती हूँ। अरे मेरा कैंडी कहाँ गया? ठीक है, फिर से कोशिश करती हूँ। दूसरा वाला भी नहीं मिला। मोनिका, मैं मदद करती हूँ। धन्यवाद सूजी, तुम एक अच्छी दोस्त हो। अपना मुंह खोलो। उप्स, मिस हो गया। एक और बार। इधर आओ मेरे कैंडी। सूजी, तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा है। उफ, बस बहुत हुआ। ये लो सारे एक साथ। तो कैसा लगा? धन्यवाद, यह काम कर गया। जैक, तुम्हारा कैसा चल रहा है? यह कर लेगा। स्वादिष्ट। मेरा कहना है कि इसे थोड़ा और जल्दी खत्म किया जाए। चलो। यह बढ़िया आइडिया था सूजी। अरे ये तुमने क्या किया? वो मेरे कैंडी थे। सूजी जल्दी करो। अब मैं ये बंद कर रहा हूँ।
ठीक है, हमने काफी खा लिया। तुम मुझे उल्लू बनाना चाह रही थी, यह काम नहीं किया। नहीं, यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। माफ करना, हम खुद को रोक नहीं पाए। कितने खराब हो तुम लोग। जरा रुको, हमारे पास ये कौन सी विशालकाय डिश है। ओ, इतना बड़ा बर्गर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अहमद अपना तुरंत खाने के लिए तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है और इससे उसकी भूख काफी बढ़ गई है। हालांकि कुछ केचप की जरूरत है। जबकि लिली अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है, अहमद थोड़ी शरारत के साथ आती है। क्यों ना इस कपड़े को उस बर्गर के ऊपर चीज की जगह डाल दे। यह मजेदार होने वाला है। ओ, वो उसके चाल में फंस गई। छोटी सी लड़की जो गुलाबी रंग में है, उसने उसकी ताकत को कम करके आंका और वह बर्गर टुकड़ों में बिखर गया। अब इसे साफ करने में तो बहुत समय लगेगा। एक सकर यकीनन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा जरूर है। वही हमारी दूसरी प्रतियोगी के पास एक असली खजाने का टुकड़ा है। अब यही तो वह चीज है जिसका सपना सभी मीठा पसंद करने वाले देखते हैं। एमा का इसे शेयर करने की कोई योजना नहीं है और लिली घुटनों पर बैठकर कोई भीख नहीं मांग रही है। वह अपने छोटे हिस्से का यथासंभव आनंद लेगी। इसका फ्लेवर आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है, इसलिए लिली बहुत खुश है। पता नहीं एमा इतने बड़े सकर को कैसे खाने की योजना बना रही है। ओ, कोई तो बताओ कि उसके पास कोई योजना है। मुझे तो डर है कि इस तरह से तो इस दौर में पूरे दिन लग जाएंगे। बोरिंग या नहीं, एमा इसके लिए कोई भारी भरकम उपकरण लेकर आई है। अच्छी सोच है। वाह, अब इसे तो कोई आविष्कार कह ही सकते हैं। हालांकि जरा रुको, यह कैसी गंध है। ओ ओ, उसकी जीभ ठीक तो है। उसे जरूर दर्द महसूस हो रहा होगा। लिली, अपने दोस्त को बचाओ जल्दी। और एक बाल्टी पानी और एमा की जीभ ठंडी हो गई। हाँ, कभी कभी बहुत जल्दी करना अच्छा नहीं होता। जरा रुको, हमने कोई कैक्टस ऑर्डर नहीं किया है। यह खाने वाली चीज नहीं है और यह भयानक कटीले भी हैं। अब समय है कुछ उपाय लगाने का। अच्छी बात है कि एमा किसी भी बात को जल्दी सोच लेती है। बिना कांटों की यह पौधा बेहतर दिखता है। ओ, पर इसका स्वाद अभी भी बहुत खराब है। लिली और भी बेहतर तरीके के साथ आती है। ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल ताजा हो गई है। अब आगे बढ़ते हुए, गम कैक्टस से हजार गुना बेहतर होता है। इस चीज से हर किसी को प्यार होता है। ये दोनों भी कोई अपवाद नहीं है। एमा पहले ही अपने रोल को खोल चुकी है और अपने काम पर लग चुकी है। हम सभी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब यह एक बहुत बड़ा बबल बनने जा रहा है। खैर, वह तब तक था जब तक कि लिली की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। और बूम, एमा अब कुछ कुछ मॉन्स्टर की तरह दिख रही है। ठीक है लिली, हमें दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है। क्लासिक गुलाबी बबल गम, सबसे अच्छा। एमा यह भूली नहीं है कि उसके बबल के साथ क्या किया गया था और उसे बदला लेने के लिए एक दुष्ट योजना मिल गई है। जबकि लिली अपने गम को चबाने में व्यस्त है, वहीं एमा यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि इस सब का भव्य समापन कैसे होगा। ओ, यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोज नहीं देखते। तुम्हारी यात्रा शुभ हो लिली, बाद में मिलते हैं। तैयार हो जाओ लड़कियों, इन होठों को देखो। क्या एमा ने इतने बड़े होठों का सपना देखा था। पता नहीं उसे इतने बड़े आकार का चाहिए या नहीं। हालांकि अभी अद्भुत रूप से स्वादिष्ट है। उंगली चाटकर खाने जितना स्वादिष्ट। ओ, और इसके अंदर एक सरप्राइज फिलिंग भी डाली गई है। मैं बस सोच सकती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट होगा।
एमा को तो यह कमाल का लग रहा है। लगता है कि स्ट्रीट के साथ कुछ परिणाम भी आए हैं। अच्छी मूछ है एमा, वास्तव में यह उस पर बुरा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है? लिली को बहुत मजा आ रहा है, पर एमा को मजाक बनना पसंद नहीं है। निराश मत हो दोस्त, अपने गुस्से में वह बगल में बैठी हुई लड़की पर हमला करती है। कुछ भी जो उसके ऊपर से ध्यान हटा दे। एमा इस हद तक गई कि उसके सिर के ऊपर सिरप गिरा दी। कितनी असिस्ट है वह, कितना चिपचिपा है। अब खेल उल्टा पड़ गया और एमा वापस से खुश है। मैकरोन्स, ओ मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है इस समय। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। जैसा कि आप कह सकते हैं, लिली इस हल्के और कुरकुरी चीज की बहुत बड़ी प्रशंसक है। इसके तो वह 100 भी खा सकती है, पर इसके वजह से वो एमा के साथ कोई शरारत करने से नहीं रुकेगी, जो उसके चाल में हर बार फंस जाती है। आंखें बंद करना उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ लिली लगभग पकड़ाने ही वाली थी। और अब वह होने ही वाला है। उस काली मिर्च का स्वाद उसे किसी भी समय परेशान करने ही वाला है। ओ, जैसा कि मुझे लगा था, यह तीखी जलन। प्यार और चुनौती में सब कुछ जायज है एमा, इसे ही खेल कहते हैं। वाह, अब यह कुछ असामान्य सा है। चलो इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, यह किसी तरह का गवी शीट की तरह दिख रहा है, पर यह है क्या? एमा यह देखने जा रही है कि उस बैग में क्या है जो उसे मिला है। यह तो कुछ अलग ही होने वाला है। यह एक पॉप रॉक का विशाल पैकेट है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉप रॉक को उस शीट पर छिड़क कर उसे रोल करने की योजना है। बहुत बढ़िया, अब यह एक विस्फोट। मजेदार और स्वादिष्ट। लिली अपने दोस्त के प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार है, पर एमा उसके किसी भी काम को आसानी से नहीं होने देगी। लिली जितना चाहती थी उससे थोड़ा ज्यादा। उप्स लिली, तुम इसमें से थोड़ा हटा सकती थी। बहुत ज्यादा शक्ति एक अच्छा विचार नहीं है। ओ, शुक्र है कि उसका चेहरा अभी भी एक टुकड़े में है। उफ, बाल बाल बच गई। एमा, यह मजाक तो खतरनाक रूप ले लिया। अगली बार सावधान रहना। खेल जारी है और हमारी प्यारी लड़कियों को आगे मिली है बहुत ही दिलचस्प बोतलें। बच्चे केवल इस तरह की मीठी कैंडी फ्लेवर से भरी हुई बोतलें पाने का सपना ही देख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसा लग रहा है कि उस बोतल से पीना विशेष रूप से अच्छा नहीं है। ओ, लिली अब एमा के चिढ़ाने को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपनी बोतल को पकड़ लेती है और पिचकारी की तरह उपयोग करते हुए एमा के ऊपर वह मीठा धार छोड़ती है। चलो अब शांत हो जाओ। और अब अंत में कोला दो रंगों में, गुलाबी। यह तो निश्चित है कि यह नया है। पर लिली को इसको आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो साधारण वाले का एक घूंट लेना चाहती है। एमा अंत में पूरी तरह से भींग चुकी है। बस हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। एमा पहले अपनाए गए चाल का इस्तेमाल करेगी। अब डेजर्ट सबके लिए है।